लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बात करने वाले हैं कंगना रनौत को लेकर, क्योंकि नवनिर्वाचित सांसद हैं और आखिरकार किसने इन्हें चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ जड़ दिया, किस वजह से जड़ा, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात करेंगे टीचर ट्रांसफर को लेकर भी, क्योंकि आदेश जारी हो गए हैं कि टीचर्स की ट्रांसफर नहीं होंगी, और तो और जिनके ट्रांसफर डीओ अप्रूव भी हो गए थे उसका भी अब कुछ नहीं होने वाला है। आखिरकार किस वजह से, ये वजह भी हम आपको बताने वाले हैं। टीजीटी भर्ती नियम बदल दिए गए हैं, टीजीटी भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब जो यहाँ भर्ती नियम तैयार हुए हैं आखिरकार वो किस तरह के हैं, उसमें क्या क्या संशोधन हुआ है, ये भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, और अन्य शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भले ही बार बार ये प्रेडिक्शन की जा रही हो कि बारिश के आसार बन रहे हैं, लेकिन अच्छी बारिश फिर भी नहीं हो रही है। कुछ ही क्षणों के लिए बारिश होती है, आंधी तूफान का तेज सिलसिला भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन जिस तरह की बारिश अभी होनी चाहिए और किसान बागवान फसलों के लिए जैसी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, वैसी नहीं होती हुई नजर आ रही है। तीन शहरों का पारा 40 डिग्री से भी ऊपर आज का रहा है और 10 शहरों का तापमान 35 डिग्री पार चल रहा है, तो गर्मी का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। बीच में यदि हल्की बूंदाबांदी हो भी रही है तो उसका कोई असर इस गर्मी पर नहीं होने वाला है। पीएचडी को लेकर भी एक जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि विभिन्न सीटों पर पीएचडी का रिजल्ट तो घोषित कर ही दिया गया है, लेकिन काउंसलिंग को लेकर भी शेड्यूल यहां सामने आ चुका है। पीएचडी केमिस्ट्री की काउंसलिंग 13 जून को 10:30 से 1:30 बजे के बीच होगी। इसके साथ ही पीएचडी संस्कृत की काउंसलिंग का रिजल्ट भी यहां घोषित कर दिया गया है। कुल 15 अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा पास की है। छात्र अपना रिजल्ट एचपीयू की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। लॉ विभाग के लिए 12 जून को काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जरूरी दस्तावेजों के साथ काउंसलिंग के लिए इन अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा। भरमौर क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुराड के राखसामरा रोड पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। ये दरअसल कार में 13 लोग सवार होकर जा रहे थे, टाटा सुमो ये कार बताई जा रही है, और बीच रास्ते में ही कार अनियंत्रित होकर पलट गई और खाई में जा गिरी, जिसके बाद 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। हालांकि 2 लोग उसी वक्त मौत के घाट उतर गए थे और महिला को अस्पताल ले जाया ही जा रहा था। काफी ज्यादा गंभीर हालत में थी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने भी दम तोड़ दिया। बाकी 11 लोगों का अस्पताल में अभी उपचार चल रहा है। तो ये देखा जा सकता है बड़ा हादसा पेश आया है। बग्गा बिंदला सामरा रोड पर ये सुमो कार अनियंत्रित होकर पलट गई थी। डायरिया मामले पर भी आपको अपडेट देना चाहेंगे, क्योंकि हमीरपुर में पहले 2 ही पंचायतें ऐसी सामने आई थी जहां पर डायरिया से लोग ग्रस्त थे और इनका उपचार भी अस्पतालों में चल रहा था, लेकिन 2 के बजाय अब 4 पंचायतें वहां पर हो गई हैं जहां लोग गंभीर रूप से डायरिया से जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर ये संख्या अब 252 हो चुकी है मरीजों की। 12 के करीब मरीज पिछले कल रात इसमें और ज्यादा जुड़ गए हैं और 4 पंचायतों में बहुत बुरी तरह से ये डायरिया फैल रहा है। और हैरानी भरी बात यह है कि जल शक्ति विभाग की ओर से जो सैंपल भेजे गए थे राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज में, वो बिल्कुल सही पाए गए हैं, यानी कि पानी में कोई खराबी नहीं है। तो आखिरकार किस वजह से ये डायरिया फैल रहा है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और लगातार मरीजों की संख्या यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, अंदाजा बिल्कुल लगाया जा सकता है कि नल के पानी का सैंपल भी लिया गया, मुख्य टैंकों का भी सैंपल लिया गया है, इसके अतिरिक्त जो बड़े भंडारण टैंक होते हैं वहां से भी पानी का सैंपल भेजा गया, और ये सैंपल अभी तकरीबन 6 ऐसे बताए जा रहे हैं जो बिल्कुल सही पाए गए हैं। अब इसके बाद लगातार सैंपल लेने का सिलसिला जारी रहेगा, ये विभाग की ओर से कह दिया गया है, और जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसकी पल-पल की अपडेट बिल्कुल हम भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी 10 टीमें स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भेज दी गई हैं। ये एक तरह से जगह जगह जाकर स्क्रीनिंग कर रही है कि कहां नए मरीज सामने आ रहे हैं। शुरुआती दौर में ही अगर मरीज का पता लग जाए तो दवाई से उसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि डायरिया अगर काफी हद तक शरीर के अंदर फैल जाए तो फिर यहाँ काफी गंभीर रोग एक तरह से ये बन जाता है। और ऐसे ही तकरीबन 12 से 15 के करीब लोग अभी बताए जा रहे हैं जो गंभीर हालत में हैं अस्पतालों में, जिनका उपचार चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज बड़ी बात कह दी है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री सुक्खू को यह याद भी दिला दिया है कि 1500 की राशि अभी उन्हें महिलाओं को देनी है। बार बार प्रचार प्रसार के दौरान, क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह कहा कि बैकडेट से 1500 का लाभ महिलाओं को मिलने वाला है और 1 अप्रैल से ये राशि उन्हें दी जाएगी, 2 महीने की राशि एक साथ महिलाओं के खाते में डाली जाएगी, तो अब इसके लिए जल्दबाजी क्यों नहीं की जा रही है। जब लोकसभा चुनावों का वक्त था तो उस वक्त तो फॉर्म भरवाने में बड़ी जल्दबाजी में थी कांग्रेस सरकार, ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है, तो अब उन्हें जल्दबाजी दिखानी चाहिए, क्योंकि अब तो कोड ऑफ कंडक्ट भी हट गया है, लेकिन कोई चर्चा इस पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से सचिवालय में बैठक ली जा रही है और बैठक में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, सर्कुलर रोड्स को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, तो अब विपक्ष ये सवाल करने लगा है कि 1500 का कोई जिक्र क्यों नहीं हो रहा है, क्या चुनावों के बाद फिर से कांग्रेस सरकार ये महिलाओं के 1500 देना भूल गई है। हालांकि शुरुआत इसकी लाहौल स्पीति से हो चुकी है, लेकिन लाहौल स्पीति के बाद अन्य जिलों की महिलाएं भी तो इंतजार में बनी हुई है, और केवल विपक्ष ये सवाल नहीं उठा रहा है, महिलाओं का भी ये कहना है कि 1500 की राशि
राशि अब उन्हें मिलनी चाहिए। फॉर्म उनसे अभी भी भरवाए गए हैं, कुछ एक महिलाओं ने फॉर्म फिल कर दिए थे, कुछ का भरना बाकी रह गया था क्योंकि बीच में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी कि कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में तो यहां नए आवेदक सामने नहीं आ सकते। तो अब नेता प्रतिपक्ष याद दिला रहे हैं मुख्यमंत्री सुक्खू को कि जल्द से जल्द इन फॉर्म्स को फिल करवाया जाए और जो पिछले 2 महीने की राशि देने की भी बात हुई है वो भी महिलाओं के खाते में आनी चाहिए। देखिए, जो निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इनका इस्तीफा भी स्वीकार हो गया है। हालांकि मौजूदा समय में अब ये एमएलए नहीं रहे हैं, लेकिन क्या इन्हें भाजपा से टिकट मिल पाएगा, इस पर एक बड़ा संशय बरकरार है। यह हम इसलिए कह रहे हैं, आज जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से इस पर सवाल किया गया तो उनका यह कहना था कि हाईकमान ही तय करेगा किसे टिकट देना है किसे नहीं देना है। लेकिन यह सवाल इसलिए भी आज प्रेस वार्ता में उनसे पूछा गया है, इससे पहले 6 विधानसभा क्षेत्रों में जिन चेहरों पर दाव भाजपा ने खेले हैं, देखिए वो क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस से भाजपा में आए थे और 4 सीटों पर भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या ऐसे नेता या ऐसे प्रत्याशियों को अब भाजपा की ओर से चुना जाएगा जिन्होंने दल बदल कानून को प्रभावित किया है, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था और इसका अंजाम बिल्कुल भाजपा के सामने है। तो दोबारा से मौका क्या इन 3 निर्दलीय विधायकों को भी दिया जाएगा जो 3 पूर्व में निर्दलीय विधायक रह चुके हैं, दोबारा से भाजपा की टिकट पर ही ये चुनाव लड़ेंगे? अब इस पर एक तरह से संशय बरकरार है, स्थिति बाद में ही स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि इस फैक्टर को भी एक तरह से इग्नोर अब भाजपा नहीं कर सकती है कि पहले जिन 6 हलकों में टिकट दिए गए हैं वो कौन से प्रत्याशी थे, क्रॉस वोटिंग करके ही क्योंकि कांग्रेस से भाजपा में आए थे और आम लोगों ने भी उन्हें देखकर काफी ज्यादा नाराजगी जताई है और इसका परिणाम फिर चुनावी नतीजों में हमें देखने के लिए मिला है। तो अब ये जो 3 पूर्व में निर्दलीय विधायक रह चुके हैं जो बार बार दावा कर रहे हैं कि इन्होंने इसीलिए भाजपा को ज्वाइन किया है क्योंकि इनकी टिकट लगभग पक्की है, तो इस पर अब भाजपा हाईकमान की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, प्रदेश में भाजपा नेता इस पर क्या कुछ कहते हैं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। और दूसरी ओर देखिए, मुख्यमंत्री सुक्खू हैं जिन्होंने पहले भी उपचुनावों के वक्त यही सबसे ज्यादा मुद्दा बनाने की कोशिश की कि धनबल का इस्तेमाल हुआ है, धनबल बनाम जनबल जैसा मुद्दा उन्होंने भुनाने की कोशिश की। अब लाजमी सी बात है इस हथियार को और पैना करने की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि दल बदल कानून तो इन 3 नेताओं ने भी प्रभावित किया है जो कि पूर्व में निर्दलीय विधायक थे, फिर इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, अभी इस्तीफा स्वीकार हुआ नहीं था उससे पहले ही भाजपा में जाकर शामिल हो गए और इस पर भी कई तरह के सवाल इनके हलकों में आम लोगों की ओर से उठाए गए थे, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इन्हें जिताकर भेजा गया था। बाद में भाजपा अगर ज्वाइन करते हैं तो इसका इंपैक्ट कुछ ना कुछ तो लोगों पर रहेगा ही, लेकिन अब भाजपा इस पर गौर करती है या नहीं ये हम बिल्कुल आने वाले दिनों में देखने वाले हैं, क्योंकि ठीक 6 से 7 महीने के भीतर फिर यहां उपचुनाव होने वाले हैं और माना यह जा रहा है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा के साथ ही हो सकता है अब हिमाचल में भी इन 3 हलकों में उपचुनाव करवा दिए जाए। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी अब जल्दी ही शुरू हो जाएगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से आदेश क्योंकि दे दिए गए हैं विभाग के अधिकारियों को, लेकिन यह भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि टीजीटी और जेबीटी बैच वाइज जो भर्ती होने वाली है केवल उन स्कूलों में इन शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी जहां पर एनरोलमेंट काफी ज्यादा है लेकिन शिक्षकों की संख्या है नहीं, या सिंगल टीचर के साथ जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, और ट्राइबल एरियाज बहुत सारे ऐसे हैं जहां सिंगल टीचर है या फिर विदाउट टीचर्स ही जो स्कूल चल रहे हैं, तो प्राथमिकता सरकार की ओर से यही रहेगी, प्रायोरिटी पर वही स्कूल रखे जाएंगे जहां अभी नाम के बराबर ही शिक्षक हैं। शहरी इलाकों में तो बहुत सारे शिक्षक हैं और एक एक विषय को पढ़ाने के लिए 2-2, 3-3 शिक्षक भी हमें सरकारी स्कूलों में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अब ट्राइबल एरियाज पर फोकस किया जाएगा और अब की बार की जो ये बैच वाइज भर्ती होने वाली है इसमें सबसे ज्यादा पद ही ट्राइबल एरियाज में भेजे जाएंगे, तो इसके लिए इन अभ्यर्थियों को बिल्कुल तैयार रहना होगा। 1013 के करीब क्योंकि टीजीटी शिक्षकों की नियुक्तियां होनी है, ऑर्डर्स इसके लिए जारी हो गए हैं। दूसरी ओर जेबीटी बैच वाइज भर्ती की बात करें तो काउंसलिंग प्रक्रिया यहां भी 1161 पदों पर पूरी हो चुकी है, लेकिन जो बड़ी अपडेट इसमें निकलकर आज सामने आई है वो ये है कि टीजीटी भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव कर दिया गया है। तकरीबन 15 सालों बाद भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव हुआ है। इससे पहले 2009 में टीजीटी कमीशन की भर्तियों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए गए थे, लेकिन उसमें कई तरह के विरोध जताए गए क्योंकि अलग अलग कैडर के लिए अलग अलग नियम बना दिए गए, जिसके बाद मामले कोर्ट पहुंच गए थे। अब कहीं जाकर दोबारा से नए सिरे से ये भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए गए हैं, एक तरह से संशोधन हम कह सकते हैं जो कि इसमें हुआ है। देखिए किस तरह की शर्त रखी गई है ये आपको बता देते हैं। टीजीटी कैडर के क्योंकि लगभग 14,224 पद अभी स्कूलों में खाली चल रहे हैं, जमा 2 कक्षा में 50% अंकों के साथ बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन का 4 साल का डिप्लोमा लागू होगा। इसके साथ ही आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के बीए कॉम में 50% अंक के साथ 1 वर्ष का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा भी मान्य होगा। टेट क्लियर करना इनके लिए जरूरी किया गया है और एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से ही ये मान्यता इन्हें इस टेस्ट के लिए प्राप्त होनी चाहिए। ये कुछ एक शर्तें हैं नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम जो बनकर सामने आए हैं, उस बारे में हमने आपको जानकारी दी है। टीजीटी से जुड़ी ये अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे। अब आना चाहेंगे कंगना रनौत पर।
भाजपा की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को सरेआम किसी ने थप्पड़ जड़ दिया है और ये बात हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट की कर रहे हैं। दरअसल ये दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी क्योंकि सभी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग लेने वाले हैं, लेकिन उसी बीच इस तरह का वाक्य सामने आ गया चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर। जिस महिला ने इन्हें थप्पड़ जड़ा है ये सुरक्षाकर्मी बताई जा रही है, CIFS की महिला सुरक्षाकर्मी थी, इनकी ओर से थप्पड़ मारा गया। कुलविंदर कौर महिला सुरक्षाकर्मी का नाम है। हालांकि माना यह जा रहा है कि थप्पड़ इसलिए कंगना रनौत को जड़ा गया है क्योंकि किसान आंदोलन के वक्त इन्होंने कुछ एक टिप्पणियां की थी, इसी बात से ये महिला काफी ज्यादा नाराज चल रही थी। फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया था कि जैसे ही कंगना रनौत सामने आई तो महिला ने थप्पड़ जड़ दिया। और इस बीच कंगना रनौत ने भी एयरपोर्ट पुलिस थाना में कंप्लेंट हालांकि दर्ज की है। 15 से 20 मिनट तक वहां पर काफी ज्यादा माहौल गरमाया हुआ रहा, खूब हंगामा चलता रहा और महिला कर्मचारी को भी हिरासत में अब ले लिया गया है। पूछताछ उससे हो रही है कि आखिरकार क्यों उसने ये थप्पड़ जड़ दिया। अब तो क्योंकि केवल बॉलीवुड सेलिब नहीं यहां पर सांसद भी बन गई है कंगना रनौत, तो आखिरकार कैसे ये थप्पड़ जड़ सकती है और सुरक्षा में भी एक तरह से हम ये चूक कहना चाहेंगे। गृह मंत्रालय ने भी हालांकि इस मामले में देखिए संज्ञान लिया है क्योंकि बड़ा मामला है। अभी 2 दिन ही हुए हैं कंगना रनौत को सांसद बने हुए और इस तरह के वाक्य अब सामने आने लगे हैं कि कोई भी बीच रास्ते में महिला को थप्पड़ जड़ रहा है और महिला सुरक्षाकर्मी की ओर से ही ये थप्पड़ जड़ा गया है। और कारण फिलहाल यही देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन के वक्त जो कुछ एक टिप्पणियां क्योंकि कंगना की ओर से की गई थी उससे काफी ज्यादा ठेस पंजाब चंडीगढ़ के लोगों को पहुंची थी। अभी पूछताछ में बाकी के कारण भी हालांकि हमें पता चल सकते हैं। देखिए टीचर ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है और ये विशेष तौर से उन टीचरों के लिए हम जानकारी देना चाहेंगे जिनके ट्रांसफर डीओज भी अप्रूव कर दिए गए थे कोड ऑफ कंडक्ट से पहले, तो अब ये ऑर्डर्स भी रोक दिए गए हैं, इनकी ट्रांसफर्स भी नहीं होने वाली है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बड़ी मीटिंग ली है शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक के साथ और ये भी बात कही गई है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ही अब फोकस करना है। ये तभी संभव है जब शिक्षकों की ट्रांसफर्स होना बंद होगी। एकेडमिक सेशन के बीच कोई भी ट्रांसफर शिक्षक की नहीं हो पाएगी, केवल एक ही मौका शिक्षकों को ट्रांसफर करने का मिलेगा और वो भी एकेडमिक सेशन से पहले, लेकिन जरूरी है कि जो इनका सामान्य कार्यकाल हो वो भी पूरा हो गया हो। ऐसे शिक्षक की ही ट्रांसफर होने वाली है जिसका सामान्य तौर पर कार्यकाल पूरा हुआ हो और एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले ही वो भी ट्रांसफर हो सकती है। अब बार बार शिक्षक अपने ट्रांसफर के लिए पहुंच जाया करते थे, छात्रों की पढ़ाई इससे प्रभावित होती है, ये इन्हें समझना जरूरी है। ऐसा ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को भी कहा है। तो अब ये भूल जाएं कि इनके ट्रांसफर होगी, अगर कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ट्रांसफर डीओ अप्रूव भी हो गए हैं तो भी इस केस में अब कुछ नहीं होने वाला है, पूरी तरह से इनके ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। टीचर अवार्ड पॉलिसी भी बदल दी गई है। देखिए पहले क्या होता था, जो आवेदन करते थे इस अवार्ड को लेने के लिए शिक्षक, वो अन्य गतिविधियां भी इसमें जोड़ते थे और जैसे पुस्तक प्रकाशन इत्यादि को इसमें जोड़ दिया जाता था, लेकिन अब उनके विषय में परफॉर्मेंस कैसी रही है रिजल्ट को लेकर, इसी आधार पर स्टेट अवार्ड्स टीचर्स को मिलेंगे। ये कुछ एक अच्छे कदम हम कहना चाहेंगे जो कि सरकारी स्कूलों के लिए लिए जा रहे हैं। अब इससे बच्चों की पढ़ाई और ज्यादा गुणवत्तापूर्वक हो जाएगी।